अज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करो। डाउटनट ते होंगे तुहाडे सारे 6वीं तो 12वीं क्लास दे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री अते बायोलॉजी दे डाउट दा सफाया, ओ भी पंजाबी विच। बस अपने प्रश्न दी फोटो खिंचो, उसनू क्रॉप करो अते तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अते अजेहे ही होर वीडियो देखन लई डाउटनट पंजाबी यूट्यूब चैनल नू सबस्क्राइब करो। Hey everyone, let's begin with the question. The question states that how many ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both. Okay. So question suna apan ki kya kahenge ki aapko kitne ml of 0.1 m HCl chahiye hoga apanu कि आप कंप्लीटली रिएक्ट करा सके 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 जेडे कि इक्विमोलर अमाउंट होंगे दोनों। ओके हम आप गल करते सोल्यूशन की, तो अगर आप सोल्यूशन की गल करिए अपने को जी मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ HCl वो किंदे इक्वल है, मोलैरिटी ऑफ HCl अपने को इक्वल है 0.1 m Na CO3, Na2CO3 and NaHCO3, NaHCO3 which is further equal to 1 gram. Okay, हुन आपा की है, weight of mixture देख रही है, weight of mixture. ओके जो आप मिक्सचर का वेट देखिए तो पहला कि आप लेट करते हैं वेट ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन मिक्सचर की लेट करेंगे वेट ऑफ Na2CO3 जिहड़ा कि प्रेजेंट है मिक्सचर विच। ओके कितना अज्यूम करेंगे आप एक्स ग्राम्स। ओके नेक्स्ट अपन इथों ही की लाइट कर लेने हैं कि जिहड़ा वेट ऑफ NaHCO3 है, वेट ऑफ NaHCO3 उन्हों अपन कितना लाइट कर लेने जिहड़ा कि मिक्सचर विच प्रेजेंट होगा 1 - x ग्राम्स। ओके हुण अपन गल करांगे मोलिकुलर वेट की, WT की ऐसी वेट है। ओके मोलिकुलर वेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा। ओके तो अगर आप देखिए तो अपने को मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, पहला Na सोडियम का अपने को कितना आता 23, दो सोडियम है तो 23 × 2 ठीक है, प्लस अपने को की है C कार्बन, कार्बन का कितना होता 12, प्लस अपने को लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दैट इज 16, तीन है तो करके × 3 एनु सोल्व करके अपने को कि वैल्यू हो जाएगी 106। ओके नेक्स्ट अपने को लिखी है या आप म्यू भी लिख सकते हैं या आप लिख सकते ग्राम पर मोल। ओके नेक्स्ट अपने को आ जाता है मोलिकुलर वेट कि नेक्स्ट मोलिकुलर वेट ऑफ NaHCO3। ओके अगर आप इनका मोलिकुलर वेट देखिए तो इनका मोलिकुलर वेट अपने को कितना आ जाएगा, पहला सोडियम दैट इज 23 प्लस H का कितना होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस कार्बन दैट 12, प्लस ऑक्सीजन का होता 16 × 3 इनू सोल्व करके अपने को वैल्यूज कि आ जाएगी 84 ग्राम पर मोल। ओके हम अपने को लेके है मोलिकुलर मास आ गए, हम आप इधर की फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ओके है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स हूँ अपने को, लेकिन इक्वल आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहला आप काट देंगे Na2CO3 दे, ता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 अपने को कितने आ जाएंगे x बाय 106 गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास आप x लेट की तसी मोलर मास अपने को 106 आ गया। ओके हुन की है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 ता हुन इंदे किन्या जो 1 माइनस x गिवन मास आप लेट की तसी ते मॉलिक्यूलर मास अपने को कितना आया 84। ओके हुन की है अपन को पता है कि अपने को लिखे मिक्सचर है Na2CO3 का, Na2CO3 प्लस NaHCO3 का, जिन्हों को लिखे इक्विमोलर अमाउंट्स है दोनों इक्विमोलर अमाउंट्स है, तो अपने को ये तो अपने को इक्वेशन की आ जाएगी x बाय 106 विच इज इक्वल टू 1 माइनस x बाय 84। ओके तो हम इन दोनों जो सॉल्व करेंगे तो अपने को लिखे आ जाएगा 84x 106 माइनस 106x। ओके एनो जो आप सॉल्व करेंगे तो अपने को इधर क्या आ जाएगा 190x 106 इधर आके किया प्लस का हो जाएगा तो अपने को 190x बन गया, इतने बन गया 106, तो x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 106 डिवाइडेड बाय 190। ओके एनो जो सॉल्व किया तो अपने को x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5578 ग्राम्स। ओके हुन की आप वेट कट, वेट अगर आप देखिए कि अपने को ले किंदा वेट, वेट ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का वेट अपने को ले कितना आ गया, अपने को ले Na2CO3 नू x के बराबर मनने, तो x की वैल्यू अपने को लेनी आई, तो वेट ऑफ Na2CO3 अपने को ले कितना आ गया 0.5578 ग्राम्स। ओके हुन अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 देखिए तो कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 विच इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपना कितना आ गया 0.5578 अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू 106। तो अपने को नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए Na2CO3 दे 0.00526 मोल्स। ओके हुन आप की है वेट कर दें, किंदा वेट कर दें आप NaH वेट ऑफ NaHCO3 ठीक है जिहड़ा कि मिक्सचर विच प्रेजेंट होगा, तो आप लेट की दसी 1 माइनस x, तो x की वैल्यू अपने को कितनी आई सी 0.5578, तो 1 माइनस 0.5578 कितना आ गया अपने को वेट ऑफ NaHCO3 कितना होगा 0.4422 ग्राम्स। ओके हुन अपन हुन अपने को की है हुन अपने को वेट आ गया, आप की फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितनी आ जाएगा अपने को 0.4422 विच इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 84। ता अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 कितने आ जाएंगे 0.00526 मोल्स। ओके हुन अगर आप इक्वेशंस देखिए तो अपने को इक्वेशन इतनी की बनती होंगी है, इक्वेशन अपने को बनूगी Na2CO3 प्लस 2HCl गिव 2NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। ओके सेकेंड इक्वेशन अपने को की बनूगी NaHCO3 प्लस HCl गिव राइज टू, इतने अपने को की बन गया NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो हम अब तुम्हें इतों की पता चलता है कि एक मोल ऑफ Na2CO3 नू की पता लगता है एक मोल ऑफ
Na2CO3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਆਫ HCl ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਰਿਕੁਆਇਰਸ 2 ਮੋਲਸ ਆਫ HCl. ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 0.00526 ਮੋਲਸ ਆਫ Na2CO3 ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿਲ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ? 0.00526 × 2 ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ 1. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 0.0105 ਮੋਲਸ. ਓਕੇ, ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1 mole of NaHCO3 ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਆਫ HCl ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ? 1 mole of HCl ਇਹਨੂੰ 1 mole of HCl ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 0.00526 ਮੋਲਸ ਆਫ NaHCO3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ? 0.00526 × 1/1. ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ 0.00526 ਮੋਲਸ. ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ HCl ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ HCl ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਟੋਟਲ HCl ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ HCl ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ 0.0105 + 0.00526. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ? 0.01578 mole. ਓਕੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ HCl ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 0.1 mole HCl ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 0.1 mole of HCl ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 0.1 mole of HCl in 1000 milliliters. ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 0.01578 moles of HCl will present in, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮੋਲਸ ਆਫ HCl ਕਿੰਨੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਗੇ? 0.01578 × 1000 / 0.1. ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ 1.57.88 ml. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ HCl ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ? ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ HCl ਦੀ? 157.88 ml. ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ.